यात्रियों के पास जाते गंतव्य नंबर 06929 अमृतसर प्रचंड अटारी रुझाना अपने निर्धारित समय में 7:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 तो जाने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बचपन से ट्रैवल में। सुबह के बज रहे हैं 7:45 और इस वक्त मैं हूं अमृतसर रेलवे स्टेशन के बाहर और आज हम सफर करेंगे इंडिया टू पाकिस्तान। सही सुना दोस्तों, पाकिस्तान वहां से मतलब लाहौर शहर जो है ना वहां से 18-20 किलोमीटर की दूरी रह जाती और बहुत अच्छी ट्रेन जर्नी होने वाली है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज है 16 दिसंबर और यहाँ पे ना ठंडी काफी ज्यादा है, तो जब भी आप यहाँ आ रहे हैं दिसंबर के मंथ में तो कपड़े वगैरह काफी लेकर आए, गरम गरम कपड़े, क्योंकि आप तो जानते हैं ना कश्मीर में अभी बर्फबारी पड़ी है जिस वजह से आसपास के जो स्टेट है ना वहाँ पे काफी ज्यादा ठंडी पड़ रही है। तो चलते हैं स्टेशन के अंदर, पहले लेते हैं टिकट उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो एकदम दौड़ाई दी, ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। अभी मैं टिकट लेने गया तो बोल रहे पहले इंक्वायरी पे जाओ, पता करके आओ कि यार ट्रेन जाएगी कि नहीं। वैसे मैंने ऑनलाइन चेक कर लिया था दोस्तों, डेली रन करती है बट कभी कभार क्या होता है कुछ इशू की वजह से बंद कर देते हैं, लेकिन अभी मैंने इंक्वायरी पे पता किया तो आज रन करेगी तो आपको सफर दिखा पाएंगे। फाइनली चलते हैं, अब टिकट लेते हैं। टिकट आप यहां से भी ले सकते हैं वेंडिंग मशीन से। तो फाइनली टिकट तो ले लिया है, 30 रुपए की पड़ी है। अब चलते सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। टिकट आप देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म 1 पे हूँ और 7:07 हो रहे हैं। 7:30 के अराउंड हमारी ट्रेन जो है आएगी। ट्रेन की बात करूं तो अमृतसर अटारी डेमो ट्रेन होने वाली। ट्रेन का नंबर 06929, डेली रन करती यहां से 7:30 के अराउंड। उसके बाद ये 8:30 के अराउंड वहां पे पहुंचाएगी हमें, फिर वहां से तुरंत 10 मिनट रुकेगी, उसके बाद फिर चल देगी यहाँ पर हमें, फिर पहुंचाएगी। मतलब यहाँ से जाने की भी जर्नी दिखाऊंगा, वहां से आने की भी जर्नी दिखाऊंगा। मतलब सोच क्या रहा कि वहां से पाकिस्तान मतलब लाहौर शहर जो है मात्र 18 किलोमीटर की दूरी रह जाती है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पश्चिम एक्सप्रेस जाने वाली जो अमृतसर से चलकर मुंबई की ओर जाती है। दोस्तों बात करूं इस अमृतसर रेलवे स्टेशन के बारे में तो ये नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है। डिवीजन की बात करूं तो ये फिरोजपुर कैंट रेलवे डिवीजन में आता है और ये क्या बोलते हैं खास रेलवे स्टेशन है। यदि आप यूपी की ओर जाना चाहें, बिहार की ओर, हावड़ा, जम्मू, तो भी लगभग सभी शहरों से आपको यहाँ के लिए ट्रेनें मिल जाएगी। स्टेशन की साफ सफाई भी काफी अच्छे से की गई है, आप देख रहे हैं। और इस स्टेशन पे आपको खाने पीने की जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी, आप सामने ही देख रहे हैं। इसके अलावा बाकी उस ओर रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं। सुबह के टाइम देखो दोस्तों, पूरा स्टेशन एकदम खाली पड़ा है, सुनसान। अभी यही शाम या रात का टाइम होता तो पूरा भरा होता। अभी ट्रेन को आने में थोड़ा टाइम है, तब तक वेट करते हैं। जैसे ही ट्रेन आती है फिर ट्रेन के अंदर एंटर करते हैं। और दोस्तों पहले क्या था ना, वहां से ट्रेनें चलाई जाती थी, थार एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, बट कोविड की वजह से बंद कर दिया गया, लेकिन अभी तक उसको चालू नहीं किया गया है। तो आपको वो भी दिखाएंगे जहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह होता है, उसके बाद जो ट्रेनें इमिग्रेशन करके लोगों का मतलब जो भी पैसेंजर वगैरह होते हैं उसके बाद उस ट्रेन को आगे भेज दिया जाता है लाहौर शहर पाकिस्तान। तो 7:26 पे ट्रेन हमारी दिख गई, आ रही है सामने ट्रेन। ट्रेन 5-10 मिनट पहले लगती है दोस्तों और सामने देखो इसका इंजन डीजल लोकोमोटिव है। ट्रेन देखो दोस्तों कितनी छोटी है, पहले तो इंजन हो गया, उसके बाद एक डिब्बा लेडीज कोच है, उसके बाद 4 डिब्बे हैं जेंट्स के लिए, मतलब जेंट्स क्या इसमें सब मिक्स है। चलते हैं फिर ट्रेन के अंदर। तो अभी ट्रेन के अंदर आ चुका हूं और सिटिंग देखो कुछ ऐसा सिटिंग है, देख रहे हो सामने आप, बैग वगैरह रखने के लिए भी जगह है और पंखे वगैरह भी लग रखे, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें चार्जिंग वगैरह की फैसिलिटी है। थोड़ा आगे चलते हैं। कहीं भी बैठो पूरी एकदम ट्रेन खाली है, मुझे नहीं लगता कि मेरे सिवा और भी कोई पैसेंजर चढ़ा है। आप पीछे देखिए, जहां तक आप देखेंगे कोई पैसेंजर ही नहीं चढ़ा, अगर आप इस ओर देखेंगे तो इस ओर भी कोई नहीं चढ़ा। देखिए भैया मिले हैं, भैया आप कहां तक जाओगे? अटारी बॉर्डर। और आपका वहां गांव है भैया? हां गांव है। थोड़ा सा ट्रेन के बारे में बता दो। ट्रेन DMU एक्सप्रेस, इंडिया का लास्ट स्टेशन है वो। अच्छा, इंडिया का लास्ट है। हाँ। ट्रेन को तो चलने में भी 2-4 मिनट है, बाकी मैं सोचा मेरे सिवा कोई पैसेंजर नहीं आएगा, लेकिन अभी एक भैया मिले थे
हमने उनसे बात करने की कोशिश करी, आपने सुना ही वो क्या क्या बताए, मतलब कि वो लास्ट गांव पड़ता है, लास्ट रेलवे स्टेशन पड़ता है इंडिया का, उसके बाद सीधा पाकिस्तान लग जाता है लाहौर। तो ट्रेन हमारी चल दी है, 7:40 हो रहे हैं अभी। तो यहाँ पे देखो ट्रेन की किस तरीके से साफ सफाई होती है, यहाँ पे आके लग जाती है स्टेशन से थोड़ा सा आगे, देखो स्टॉप भी लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे साफ सफाई होती है स्टेशन के डिब्बों की, फिर ट्रेन जो है स्टेशन पे लगती है। और इंजन वगैरह वहाँ पे खड़े होते सामने, आप देख रहे हो। तो ट्रेन की स्पीड को देख के लगता है कि राजधानी शताब्दी ट्रेन क्या है, सब फेल, स्पीड देखो मतलब बहुत स्लो चल रही है दोस्तों। और इस ट्रेन में ना आपको टॉयलेट की फैसिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, मैंने पूरा ट्रेन देखा, 5 से 6 डिब्बे हैं लेकिन एक भी डिब्बे में टॉयलेट की फैसिलिटी है ही नहीं। और अब ट्रेन धीरे धीरे स्पीड ले रही है, सर्दी देखो दोस्तों कितनी ज्यादा है, ओस देखो। यहाँ पे कोई भी नहीं उतरा ना कोई भी चढ़ा, तो चलते हैं अब ट्रेन के अंदर। और यहाँ पे सर्दी इतनी ज्यादा है कि वीडियो बनाते बनाते एकदम हाथ पूरा एकदम लाल हो गया मेरा। अच्छा तो यहाँ का मौसम देखो एकदम कोहरा ही कोहरा, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। इतना कोहरा है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है दोस्तों, सामने सूर्य भगवान सिर्फ दिख रहे हैं। बहुत तेजी से यहाँ पे हवा भी चल रही है, मतलब ठंडी काफी ज्यादा लग रही है। मैं बोल रहा हूँ तो आप देख रहे हो किस तरीके से धुआं निकल रहा है, और हाथ तो काफी लाल गया, मेरा मोबाइल ही स्विच ऑफ हो गया था, मतलब कि पता नहीं क्या, ऐसा लग रहा है कि फोन को ही ठंडी लग गया, अभी बड़ी मुश्किल से खुला है तब मैं आपको बता पा रहा हूँ। इधर दोस्तों फोन को लग गई थी ठंड, और फोन में चार्जिंग ही खत्म हो गया था पूरा, तो अभी लगा दिया है चार्ज पे। आपको सफर तो दिखाना है अच्छे से। कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है, देखो। वाओ, वेरी अमेजिंग। ट्रेन का भी दूसरा स्टेशन आया खांसा, यहाँ पे भी कोई नहीं उतरा, पीछे देखो ना इस तरफ, और अगर आप इस ओर भी देखेंगे तो भी कोई नहीं उतरा। बाकी सफर दिखाना चाहता हूँ और क्या दिखा रहा हूँ, मतलब कि इतना ज्यादा ओस है, कोहरा है। तो आप कभी भी इस ट्रेन का सफर करें या कभी भी इस ट्रेन में जाना चाहें तो सितंबर अक्टूबर या नवंबर मंथ में जाएं, अभी तो क्या है बहुत ज्यादा बर्फबारी पड़ रही है ना उधर जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। चलते इसके बाद ये लास्ट स्टेशन आएगा अटारी। दोस्तों इतनी ज्यादा ठंडी है कि पावर बैंक को भी ठंडी लग गई है, चार्ज ही नहीं हो रहा है, देखो लगा दिया लेकिन यहाँ पे लाइट वगैरह भी नहीं जल रही। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ ट्रेन कैसे चला रहा हूँ इतनी ज्यादा कोहरे में, कुछ दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों फाइनली आ गया लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। क्या ही बताऊं दोस्तों, इंसानों का तो सुना था कि ठंडी लग जाती, मुझे नहीं पता था कि फोन को भी ठंडी लग जाएगी, 2 बार तो स्विच ऑफ हो गया। पर आपको दिखाना था बड़ा ही अच्छा, लेकिन कोहरे के कारण मैंने आपको सफर नहीं दिखा पाया ढंग से, बट कोई नहीं, आपने कोहरा तो देख लिया और लास्ट लैंड ऑफ इंडिया तो देख लोगे, मतलब आखिरी गाँव इंडिया का। मात्र 2 स्टॉप पड़े बीच में और 25 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और स्पीड की बात करूं तो 20 से 25 से की स्पीड थी इसकी, ज़्यादा नहीं थी। बाकी अब यहीं से वापस चल देंगे।
फाइनली हम अटारी पहुंच गए हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा पैसेंजर चढ़े हैं इस ट्रेन में। अब ये ट्रेन वापस चल देगी, टिकट तो मैं नहीं ले रहा दोस्तों, एकदम क्या ही बताऊं, सफर बड़ा ही डेंजरस रहा। फोन कितनी बार स्विच ऑफ हुआ, मैं कुछ दिखाई नहीं पा रहा था, पावर बैंक स्विच ऑफ, मेरी नाक लाल और पूरा एकदम हाथ वगैरह पूरा लाल है। ये जो सामने आप तारों की बनी हुई जाली देख रहे हैं, पहले थार एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस यहाँ पे आके रुकती थी, उसके बाद कस्टम वगैरह जो ऑफिस सामने बना रखा, यहाँ पे इमिग्रेशन होता था पैसेंजर का, उसके बाद ट्रेनों को आगे भेज दिया जाता था पाकिस्तान की ओर, लाहौर। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन यहाँ से चल दी है अमृतसर के लिए। साढ़े नौ बज रहे हैं इस वक्त और ट्रेन हमें वापस से अमृतसर रेलवे स्टेशन छोड़ दिए। सफर तो छोटा था आपने देखा ही, लेकिन सफर बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही ठंड भरा रहा, क्योंकि ठंडी के मौसम में गए थे ना। तो ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।